बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहतरम, आज बहुत मुखालिफ भाई के घर पे सरकार के ये जिक्र की महफिल है और कारी साहब ने तलावत कलाम पाक फरमाई, नाशरी भी पेश की और मौलाए कायनात हजरत हैदर करार करमल्ला करीम की बारगाह में मनकबत के अशार भी पेश किए हैं। मुझे हुक्म दिया गया है कि आज खसूसी तौर पे अहले बैत तहार का जिक्र करना है। हम क्या कर सकते हैं, रब का कुरान उस घर का जिक्र करता है, तो मैं इंशाल्लाह यकीनन जो मुझे हुक्म दिया गया है मैं वो भी पेश करूंगा, लेकिन एक दो नातों के दो दो तीन तीन शेर पेश करके उसके बाद जो हुक्म दिया गया कि सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में, पाक की बारगाह में, मौलाए कायनात की बारगाह में, मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह आज ये मुख्तलिफ नौइयत की महफिल है, ये आम इस तरह नहीं होता। बहरहाल ये उनकी मोहब्बत है सरकार की अहले बैत के साथ। अल्लाह अपनी शान के मुताबिक इस घर में अपनी रहमत नाजिल फरमाए और हमारी खाली झोलियों को भरे। दुरूद व सलाम का नजराना सरकार की बारगाह में पेश करें। बगैर किसी तमहीद के मशहूर नातों के दो दो शेर में पेश करूंगा और सब शामिल हो जाए, कोई जुबान खामोश ना रहे। पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या, बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या। ये मेरी लिखी हुई नात अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में पढ़ी जा रही है। नात क्या है? सरकार की गली के टुकड़ों की बात करते हैं। नाथ भी और अहले बैत की मनकबत भी अल्हम्दुलिल्लाह। आइए सब मिलके शामिल हो जाएं। हाँ, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, अजल से मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े
मोहम्मद के। एक हदीस का तर्जमा पेश करने की कोशिश। अना मदीनतुल इल्म व अली अनबाबुहा, है शहर इल्म खुद आकार, अली उसका है दरवाजा। है शहर इल्म खुद आकार, अली उसका है दरवाजा। तू दरवाजे मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। मुश्किल गुजर जाती है कतरा कल, मेरे रास्ते की हर मुश्किल गुजर जाती है कतरा कल, के देते हैं मुझे मुश्किल कुशा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। एक शेर आले बैत तहार की बारगाह में पेश करता हूं, और ये दुआया शेर है। मेरे मौला अलियो फातिमा हसन के सबके, मेरे मौला अलियो फातिमा हसन के सबके, मेरी नस्लों को भी करना था टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के, मेरी नस्लों को भी करना था टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। एक इस नात का और शेर है, और वो अमूमन मैं महफिल में नहीं पढ़ा करता, बहुत कम पढ़ता हूं, मोहब्बत वालों की महफिल है, एक खास हस्ती की तरफ इशारा है इसका, ये समझ कीजिए। कोई सलमान फारिस और जनाबे हुर से पूछे तो, ये हुर वो था जिसने सबसे पहले मैदान कर्बला से पहले, कर्बला में पहुंचने से पहले इमाम हुसैन का रास्ता रोका था, और फिर हुसैन ने उसे जन्नत की नवीद सुनाई थी। कोई सलमान फारिस और जनाबे हुर से पूछे तो, कोई सलमान फारिस और जनाबे हुर से पूछे तो, वफादारों को मिलते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के, वफादारों को मिलते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में सदा टुकड़े मोहम्मद के। तेरा दामन कभी अल्ताफ खाली रह नहीं सकता, तेरा दामन कभी अल्ताफ खाली रह नहीं सकता, के देते
और ये भी पूरी दुनिया में मेरी लिखी हुई नात अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी जा रही है। दो तीन शेर समाप्त करें और उसके बाद फिर मैं मराकिब पेश करता हूं। नात सरकार की पढ़ता हूं मैं, बस सी बात से घर में मेरे रहमत होगी, और एक तेरा नाम वसीला है मेरा रंजो गम में भी इसी नाम से।